बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसक धार्मिक विवाद का असर अब त्रिपुरा में भी देखने को मिल रहा है। त्रिपुरा में मस्जिदों में तोड़फोड़ की गई है और कई दुकानों में आगजनी की गई। इसी के विरोध में आज महानगर कोलकाता के पार्क सर्कस में कई एनजीओ ने विरोध प्रदर्शन किया और धार्मिक हिंसा को फौरन रोकने की अपील की। लोग इंसाफ के लिए आए हैं क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आवाज़ उठाया गया है, हमारे कुरान के ऊपर आवाज़ उठाया गया है, हमारे मस्जिद तोड़े जा रहे हैं। आखिर ये हिंदुस्तान में हो क्यों रहा है? मोदी सरकार यह क्या चाह रहे हैं? हिंदू मुसलमान के बीच में ये क्या तफरका ला रहे हैं? लड़ाई लगवाना मांग रहे हैं कि हमारे मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सब तो एक हिंदुस्तान में कहते हैं कि हिंदुस्तान है, मिलजुल के रहने वाली देश है, तो आखिर ये हिंदू मुसलमान कुरान कहीं तोड़े जा रहे हैं, कहीं मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इसको सरकार को बदलना होगा क्योंकि कुरान पर हमारा ईमान है और हम लोग कुरान के लिए जान दे सकते हैं, पर अपने कुरान और मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे। अगर हमारी जान भी हम लोगों को देना पड़ेगा तो हम लोग अपना जान देंगे क्योंकि कुरान पर हमारा ईमान है। आज जो त्रिपुरा में जो हम लोग हमारे रसूल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मतलब कि उनके गुस्ताखी में, उनके शान में जो गुस्ताखी की गई है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम लोग मतलब कि हमारे अभी बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पे कुछ हुआ था तो हम लोग उसके लिए प्रोटेस्ट किए थे। हमारे सिख भाई है जो किसान है, हम लोग उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, तो हम लोग अपने काम के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे? क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो वो लोग ये काम कर रहे हैं और उनके मतलब के शान में गुस्ताखी किए हैं, तो हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग ये हिंदुस्तान है, हम लोग सब यहाँ पे सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं और हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग सरकार को ये बात समझनी होगी, सरकार ये चीज़ को रोके। हम लोग सब मिल के रहते हैं और उन लोगों को भी समझना चाहिए कि सबको यहाँ पे मिल के रहना चाहिए। सरकार की ये गलती है। सरकार हर जगह हर चीज़ को ना वो फार्मर को ले तकलीफ को देख रही है, ना हिंदू भाई को देख रही है, ना हम लोग को मुस्लिम के ऊपर जो जुलूम हो रहा, सरकार कुछ नहीं समझ रही है। अंधी भारी सरकार के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं क्योंकि जो भी हो रहा है गोदी मीडिया की वजह से हो रहा है और बीजेपी सरकार और RSS की वजह से हो रहा है। जैसे कि आप जान रहे त्रिपुरा में जिस तरह से माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, एक पॉलिटिकल साजिश के तहत में जिस तरह से एक कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है वो मुस्लिम कम्युनिटी है और उनके जो पैगंबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल साजिश के जो खिलाफ है तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ हम कंडेम्स करते हैं। आने वाले दिनों में तमाम पार्टियों को मैं यहाँ से पैगाम दूंगा और खासकर मुस्लिम भाइयों को मैं पैगाम दूंगा कि अब जागने का वक्त है, आप जाग जाएं। अगर आप नहीं जागेंगे तो आने वाला वक्त जो है, ये जो आने वाले जो हमारी कौम की नस्लें हैं, ये जवाब मांगेगी। ये जवाब देने के लिए सबको इंतजार करना पड़ेगा क्या? तो इससे पहले आप जो जागने से पहले तमाम माइनॉरिटी को तैयार होना पड़ेगा, सबको हक की लड़ाई के लिए आगे आना पड़ेगा और किसी को भी बुरा बोलने का संविधान इजाजत नहीं देता है, उस पर कंडेम करते हैं। और हम चाहते हैं यहाँ की गवर्नमेंट से कि सरकार जवाब दे और खासकर बंगाल की गवर्नमेंट से भी कहना चाहते हैं कि आपके जुबान में क्या लगाम लगा हुआ है? क्या आपका जुबान नहीं है जो ये हो रहा है तो आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? बंगाल की हुकूमत हो, TMC की हुकूमत हो या BJP की हुकूमत, किसी की भी हुकूमत हो, आपको आवाज वोट तो चाहिए माइनॉरिटी का, मगर आप सवाल से जवाब देने में कतरा रहे हैं। वोट तो चाहिए मगर सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास मुंह नहीं है। माइनॉरिटी का तो वोट चाहिए मगर इनको सवाल का जवाब देने के लिए आप कतराते हैं। आखिर कौन सी बात है जो आप कतरा रहे हैं? हमें जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो गुस्ताखी की है, नौज़ बिल्लाह, कहने उन्होंने ऐसा लफाज इस्तेमाल किया, कहने चाहिए, इसलिए आज हम इत्तेजाज करने आए पासा के 7 पॉइंट में। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा दिल्ली से एक नारा लगा था, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, और देश में अगर रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। और लास्ट वीक आपने देखा कि त्रिपुरा से एक नारा लगा, मोहम्मद तेरे बाप का नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैं कलकत्ता पार्क सर्कस की सरजमीन से ये मैं वाजे कर देना चाहता हूँ कि जब आप पेट पे लात मारते हैं, आप बेरोज़गार कर देते हैं, डीजल पेट्रोल और कुकिंग गैस का दाम बढ़ा देते हैं, आप कोविड के टाइम में आप प्रॉपर जो भी सपोर्ट फंक्शन होता है वो आप नहीं करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं भारत का जनता जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब बात आती हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती का, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इसीलिए हम लोग कलकत्ता पाक सर्कस की सरजमीन से पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं।
जी मैं यही बोलना चाहती हूँ, जिस तरह आज त्रिपुरा में इतना बुरे तरीके से अटैक हो रहा है लोगों में, ये आग कहाँ से चालू हुई है और ये कहाँ तक जाएगी? कहीं तो ख़त्म करना होगा हमें सब मिलके। तो आज अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जाएगी जब तक इसका समाधान नहीं मिल जाएगा। हम किसी का इंतज़ार कैसे कर सकते हैं? ये हमारी सरकार की सिर्फ बात नहीं है, हमारे लोगों की बात है, पूरी हिंदुत्व पूरी हिंदुस्तान की बात है। या कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए, फार्मर्स हो चाहे कोई भी जाति प्रजाति के लिए हम लोग खड़े हैं। एक पर्टिकुलर हम लोग संविधान के लिए नहीं यहाँ पर आए। तो जब हम लोग सारे चीज़ के लिए खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं, ये तो हमारी माइनॉरिटी की बात आई कि आखिर क्यों। और बंगाल जैसे शहर में जो हम सब एक होके हिंदू मुस्लिम सब पूजा जितना सारे कुछ मनाते हैं, पर्व त्यौहार ईद दुर्गा पूजा, तो फिर आज ये क्यों इस हेट्रेड को आगे बढ़ाया जा रहा है? वी विल नॉट एक्सेप्ट ब्लाइंडेस्ट हिंदुत्व, हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं ख़त्म करना होगा, ये आग जिसने लगाई है, ये चालू हुआ है, इसे कहीं ना कहीं बुझाना है। तो आज हम खड़े हुए हैं इस चीज़ के लिए, आवाज़ उठाने के लिए। इंशाल्लाह जब तक इसका संविधान नहीं होगा, हम लोग इसी तरह इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए, ये जाहिर सी बात है, बहुत मजम्मत करने वाला जो है इंसिडेंट जो है वो पेश आया है। और यहाँ पर कहीं पर भी हो, अभी हाल फिलहाल में आपने बांग्लादेश में देखा होगा कि दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ लोगों ने जो है वहाँ की जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वहाँ की हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक किया उन्होंने, और इसके लेकर के तमाम लोगों ने इसकी मजम्मत की। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, उन्होंने भी जो इस बात की मजम्मत की और उन्होंने ये गारंटी किया वहाँ की माइनॉरिटीज़ को कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके प्रोटेक्शन के लिए हैं। और जिन लोगों ने भी ये सारी घटनाएँ की हैं या ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान के सरजमीन पर त्रिपुरा में अभी हम लोग सब जानते हैं कि हाल फिलहाल में वहाँ पर इलेक्शंस होने वाला है, वहाँ पे बीजेपी लेड गवर्नमेंट है। और बीजेपी के बारे में हम तमाम लोग जानते हैं कि वो जो है प्रोवोकेशन वाली, इसमें जो रिलीजियस प्रोवोकेशन वाली जो उनका जो है एक्टिविटीज़ होता है, और उनका पॉलिटिक्स जो है पूरा रिलीजियस बेस्ड पॉलिटिक्स है। उनके जो औलाद हैं, बीजेपी की जो औलाद है, विश्व हिंदू परिषद या फिर RSS, ये जो है इनको जो है हेल्प करती है ताकि वो प्रोवोकेशन में जो है वो आगे बढ़े। और जिस तरह का प्रोवोकेशन जो है त्रिपुरा में हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है गाली बका गया है, बहुत सारी मस्जिदों को, तकरीबन 6 मस्जिदों को जला दिया गया है, काफ़ी सारे लोगों को जला दिया गया है जिंदा, तो इन तमाम एक्ट्स को जो है हिंदुस्तान के जितने भी स्टेट्स से, तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को, तमाम स्टेट्स के गवर्नर्स को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो कुछ बोलेंगे नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से, हम लोगों को जो है एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है जो बहुत एरोगेंट है और किसी भी मौजू पर जब भी हिंदुस्तान प्रॉब्लम में होता है वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। तो एटलीस्ट जितने भी सेकुलर माइंडेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, उन तमाम को इस एक्ट को कंडेम करना चाहिए और उनको चाहिए कि जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाए कि जो लोग भी जो है इस क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ जो है त्रिपुरा सरकार जो है वो एक्शन ले।